नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने वीडियो जारी कर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए एजाज अहमद इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं। माहौल को खराब करने का, बिहार में किसी को अगर वो कुछ उम्मीद देख रहे हैं तो उनको अपनी उम्मीदों को समेट लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए कि बिहार है। अब बिहार ने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों को, संप्रदायवाद को या नफरत के माहौल को पसंद नहीं किया है। बिहार ने हमेशा कार्य करने वाली सरकार और कार्य करने वाले लोगों को पसंद किया है, और बेगूसराय के माहौल को जिस तरह से खराब करने का प्रयास चल रहा है और जिस तरह से माहौल बनाए रखने का प्रयास चल रहा है, उसमें एक बड़े नेता की भूमिका है। उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जैसे ही माहौल खराब होता है या जैसे ही इस तरह के माहौल बनते हैं वो तत्पर बेगूसराय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और एजेंडा और नफरत की राजनीति के सहारे अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बेगूसराय की जनता के लिए, बेगूसराय के विकास के लिए, अब बेगूसराय के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। इसीलिए इस तरह के एजेंडे के तहत राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में ऐसी राजनीति करने वालों को ना पहले स्थान मिला है ना आगे स्थान मिलेगा। और एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि इस तरह के माहौल को खड़ा करने वाले कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें सबको चिन्हित किया जा रहा है, बेगूसराय प्रशासन सजग है और इस तरह के माहौल बनाए रखने वाले को चिन्हित करके उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। और इस तरह के